मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने भाजपा छोड़ दी है। भाजपा ने इनका टिकट काट दिया था। इसके बाद उन्हें लेकर कई अफवाहें चल रही हैं। ऐसे में त्रिपाठी ने जनता को बताया वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। त्रिपाठी काफी दिनों से भोपाल में रह रहे हैं, जिसके बाद कुछ अफवाह फैल रही थी, जिसको लेकर मेयर विधायक ने कहा कि विंध्य की जवाबदारी मेरी है, हम चुनाव को लेकर विभिन्न प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, इसको लेकर चर्चा की जा रही है, जल्द मैं आप सबके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। सभी लोगों को प्रणाम, दशहरे की शुभकामना। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आज दशहरा का दिन है, मैं भोपाल में हूं। मैहर विधानसभा और सतना जिले के साथ साथ, मैहर जिले के साथ साथ विंध्य की भी जिम्मेदारी मेरी बनती है, तो मैहर विधानसभा भी हमारे नजरों में है और विंध्य की शहडोल रीवा संभाग की 30 सीट पर भी हमारी नज़र है। उसी सीट के चयन के लिए मैं भोपाल में हूँ। मेरी अनुपस्थित को अन्यथा न लगाया जाए, अलग अलग दल की बातें न किया जाए, मैं ईमानदारी के साथ विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए आपके साथ हूँ। आप सबको धन्यवाद, आप सबको स्वागत। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस में टिकट की बोली लगी हुई है। पहले बोली लगी तो टिकट दे दिया, अब उससे ज्यादा बोली लगी तो टिकट बदल दिया। सारंग ने कहा कि यही कांग्रेस की रीति और नीति है। ऐसे ही कमलनाथ जी ने सरकार चलाई, एक अधिकारी को एक बोली से अंतर्गत एक कुर्सी पर बैठाया, यदि दूसरे ने बड़ी बोली लगाई तो उसे हटा दिया। क्योंकि बोली लगी हुई टिकट का हश्र यही होगा, पहले बोली लगी थी दे दिया, अब उससे ज्यादा बोली लगी तो बदल देंगे, यही तो कांग्रेस की रीति नीति है। जैसे कमलनाथ जी ने सरकार चलाई, एक अधिकारी को एक बोली के अंतर्गत एक कुर्सी पर बिठाया, यदि दूसरे ने बड़ी बोली लगा दी तो उसको हटा दिया, ऐसे ही कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधानसभा टिकटों का हाल है। यदि पहले बोली लगी, किसी ने ज्यादा बोली लगा दी तो बदल रहे हैं। तार तार है कांग्रेस, जमीन से पूरी तरह खत्म है कांग्रेस। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने जिले वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। सभी पुलिस वालों ने हथियारों की साफ सफाई की और वर्षों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक विजयदशमी पर्व पर शस्त्रों की पूजा की। इसी परंपरा को निभाते हुए विजयदशमी पर जिले के सभी थाना प्रभारियों ने विधि विधान से शस्त्रों की पूजा कर सभी के भले की मनोकामना की। पुलिस बल द्वारा उपयोग हेतु शस्त्र AK-47, इंसास राइफल, रिवॉल्वर आदि पर पुष्प और कंकु लगाकर पूजा संपन्न कराई गई। शस्त्र पूजन के बाद पुलिस बल द्वारा निर्दोष व्यक्तियों पर शस्त्र का उपयोग न करने का संकल्प लेकर अपने अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भोपाल में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 75 वर्षों तक आदिवासियों को उपेक्षित रखा गया और सिर्फ सत्ता के लिए आदिवासियों को हथकंडा बनाया गया। जनजातीय समाज को बीजेपी मुख्य धारा में लाई और आदिवासी भाइयों का विकास सुनिश्चित किया। एमपी में कांग्रेस सरकार में जनजातीय वर्ग की अनदेखी की गई, इसलिए कांग्रेस को देश भर की जनता ने नकार दिया। 75 वर्षों का आजादी का यह सफर में आदिवासी के साथ लंबे कालखंड तक देश में शासन करने वाले दल ने किस तरीके से व्यवहार किया, किस तरीके से उपेक्षित रखा, देश के समस्त आदिवासी भाइयों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखते हुए कैसे हम पूरे भारत के विविध क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के विकास को सुनिश्चित करते हुए देश संपूर्ण रूप से आगे बढ़े, यह सुनिश्चित कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र में सिर्फ छलावा हुआ है, केंद्र में रहते हुए नीतियों का वादा नहीं निभाया। आबादी के अनुसार ना नीतियां बनाई गई ना कार्यक्रम तय किए गए। आदिवासियों का सबसे अधिक पलायन कांग्रेस सरकार में हुआ है। आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बीजेपी की सरकार लेकर आई। बीजेपी के कामों से घबराकर कांग्रेस झूठ का वचन पत्र लेकर आई है। बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है, बहुत सारी बातों को कहा है, लेकिन
यदि उसे गौर से हम देखें तो ये सिर्फ एक छलावा, एक धोखा, और जिस तरीके से आजादी के बाद लंबे अरसे तक कई वायदे, कई बातें करने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का जो दायित्व था उसे कभी पूरा नहीं किया। भारत सरकार के माध्यम से जो नीतियां बनाने की बात उन्होंने अपने समय में की थी उसका इम्प्लीमेंटेशन होने ही नहीं दिया। आबादी के अनुसार उपयोजनाएं बने, आबादी के अनुसार कार्यक्रम बने, इस मामले में जो नीति बनाई गई थी उसका अनुसरण कभी कांग्रेस ने नहीं किया। इंदौर से चुनाव लड़ रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा, मुझे जानकारी मिली है कमलनाथ ने करोड़ों रुपए लेकर टिकट दिए हैं, इसे कांग्रेस में आक्रोश है, ये संगीन आरोप है, नेता ऐसे करेंगे, अब जनता को सोचना चाहिए। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है कमलनाथ जी ने उम्मीदवारों से पैसे लिए और टिकट बांटे हैं, इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही कहा कि हमने दो दो तीन तीन चार चार करोड़ रुपए दिए, पार्टी में खर्च किए, किंतु हमें टिकट नहीं मिला है। ये बहुत संगीन आरोप है। यदि कांग्रेस के नेता ही अगर ऐसा काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कांग्रेस किसी पार्टी है इसके बारे में प्रदेश की जनता को सोचना।